वाला चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूं आपके सामने और लेके आई हूं सुप्रीम कोर्ट की वीकली जजमेंट। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं 16 से लेके 22 तारीख तक का अप्रैल का महीना, जहां पे थर्ड वीक ऑफ अप्रैल की हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम टॉप मोस्ट कोर्ट कहते हैं, एपेक्स कोर्ट कहते हैं, उन्होंने एक्चुअली में क्या क्या डायरेक्शंस दिए, कैसे लॉ को इंटरप्रेट किया, कैसे जो हमारे सीपीसी सीआरपीसी बाकी जो सारे लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर और बहुत सारे लॉज हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे जजमेंट्स आई, कैसे कैसे लॉ को इंटरप्रेट किया गया, कैसे कैसे एक प्रेसिडेंट सेट किया गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि प्रेसिडेंट होता क्या है। तो जब हम एक जजमेंट को बार बार फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक प्रेसिडेंट की तरह मान लेते हैं। बहुत बार जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कुछ ऐसी जजमेंट्स दे देता है जो लॉ को इंटरप्रेट करता है, या फिर जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, जो ऑलरेडी कोडिफाइड लॉ है, उसको वो क्या करता है, क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो सारी जजमेंट्स होती हैं, ये प्रेसिडेंट्स की तरह एक्ट करती हैं। तो ये सेशन आप सबके लिए रेलेवेंट है, अगर आप जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है जिसका सपना है कि वो क्लैट का पेपर देके या फिर आईलेट का या फिर स्लैट का या फिर बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है लॉ के अंदर घुसने के लिए, अगर आप लॉ की एक फील्ड लेना चाहते हैं, तो आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लॉ जो है एक बहुत ही डायनेमिक फील्ड है और आपको ये डायनेमिक फील्ड को समझना बहुत जरूरी है और क्या क्या नई जजमेंट्स आ रही हैं उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप सबके लिए रेलेवेंट होने वाला है। अगर आप सेमिस्टर स्टूडेंट हैं जो कि अपने लॉ के पेपर देने वाले हैं, तब भी आपके लिए रेलेवेंट है। अगर आप करंट लीगल लॉज लेके के आएंगे अपने आंसर शीट में, और अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नई जजमेंट्स हैं, जो करंट लॉज है, जो रीसेंट लॉज है, जो रीसेंट जजमेंट्स हैं, ये सब आपको हेल्प करेंगी, आपके केस को सपोर्ट करेंगी और आर्ग्यूमेंट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, और इसी से आप एक्चुअली में केस को जीत पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ई कमिटी को कंडक्ट किया है, पहली बार डिजिटल एक्सेसिबिलिटी आईसीटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है किनको, विजुअली चैलेंज जुडिशियल ऑफिसर्स और उनके स्टाफ को। तो एक चीज जो पढ़ना बहुत जरूरी है वो है राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी। जो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट है स्टूडेंट्स, अगर आपने वो पढ़ी है, वो आपके माइनर लॉज में भी आती है अगर आप एक जुडिशियरी एस्पिरेंट है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ई कमिटी को बनाया है जिसने सबसे पहली बार डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। तो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखते हैं कि जो पर्संस विद डिसेबिलिटी है उनको भी हमें एट पार ट्रीटमेंट देना है, नॉर्मल पर्संस के साथ ट्रीटमेंट देना है। और ये एक्ट जो है, इस एक्ट का यही मोटिव है कि जो पर्संस विद डिसेबिलिटी हैं, आप उनको एट पार लेके आइए, आप उनको ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करिए कि वो भी सोसाइटी के नॉर्मल लोगों की तरह जी पाए अपनी जिंदगी को, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया है और उन डिसेबिलिटीज के लिए इन्होंने प्रोविजंस प्रोवाइड करे हैं, क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड करी है, रिलीफ प्रोवाइड करे हैं। तो आप लोगों को क्या देखना है कि जो पर्संस विद डिसेबिलिटी लोग हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है एम्प्लॉयमेंट में, डे टू डे लाइफ में, हर एक चीज में, जैसे सब नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स आपको अवेलेबल है, वैसे पर्संस विद डिसेबिलिटी लोगों को भी अवेलेबल है। इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो दैट जो पर्संस विद डिसेबिलिटी है इनको हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर इंक्लूड करना है, इनको ओपरापन नहीं करना, इनके साथ एक्सक्लूजन नहीं करना, इनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि इनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, वी हैव टू मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। यही बात हुई है इस सुप्रीम कोर्ट की ई कमिटी के द्वारा जो पहली बार कंडक्ट किया गया है फर्स्ट डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। दूसरी जजमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो बात करती है कि सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। 149 ऑफ आईपीसी ये बोलता है कि हर एक मेंबर जो कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, अगर उस अनलॉफुल असेंबली के
कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में कोई भी एक्ट होता है तो उस पर्सन को भी हम गिल्टी ठहराएंगे। तो यही चीज 149 बोलता है। और क्या बोला गया इस जजमेंट में कि 149 को आप अट्रैक्ट करोगे अगर पांच या पांच से ज्यादा लोग स्पेसिफिकली नेम्ड है एक एफआईआर में। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं सेपरेटली। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप 149 को अट्रैक्ट करोगे। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे हम थर्ड जजमेंट की, जहां पे ऑर्डर 7 रूल 11 की बात हो रही है। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेन्स, और कुछ ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं सीपीसी के अंदर की किस ग्राउंड्स पे आप ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो क्या बोला गया कि अगर जो प्लेंट है उसके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी है अवर्मेंट्स में, वो अपने आप में एक सफिशिएंट रीजन नहीं है कि आप प्लेंट को रिजेक्ट करो। प्लेंट क्या होता है? जो हमने सूट फाइल करा है, जो हमने केस फाइल किया है कोर्ट में, वो हम प्लेंट के फॉर्म में फाइल करते हैं कोर्ट में। उसके बाद जो डिफेंडेंट होता है, जो ऑपोजिट साइड होती है जिसके अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया है, वो एक 7-11 की एप्लीकेशन लगा सकता है, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगा सकता है ऑन वेरियस ग्राउंड्स जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस जजमेंट में क्या बोला गया कि जस्ट बिकॉज उस प्लेंट में कुछ इनकंसिस्टेंसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दोगे। इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को बोला है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी जो कि प्रिवेंट करे लॉयर्स को स्ट्राइक करने से। तो हर एक पर्सन को ये राइट है कि वो क्या कर सके, वो अपनी एसोसिएशंस फॉर्म कर सके, यूनियंस फॉर्म कर सके, बट अगर ऐसी स्ट्राइक्स जो हैं वो पब्लिक पीस और मोरालिटी को शेक कर रही हैं, वो पब्लिक स्टेबिलिटी को शेक कर रही हैं, तो आपका यही एंडेवर रहना चाहिए कि आप इन स्ट्राइक्स को रोके। और यही सुप्रीम कोर्ट ने सारी हाई कोर्ट्स को बोला है कि आप ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटीज को फॉर्म करें जिससे कि जो लॉयर्स हैं जो बार-बार पे स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं वो स्ट्राइक्स पे ना जाएं। तो स्टूडेंट ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है, इसीलिए हम लोग इसको भी जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर बार की तरह, और देखेंगे कि जो हमने लॉ पढ़ा है हम उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस प्रोसीड। स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की ई कमिटी ने सबसे पहली बार कंडक्ट किया है एक डिजिटल एक्सेसिबिलिटी आईसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पे विजुअली चैलेंज्ड जो थे, विजुअली चैलेंज्ड जुडिशियल ऑफिसर्स थे, उनके स्टाफ थे, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार, फर्स्ट एवर आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी है विजुअली चैलेंज जुडिशियल स्टाफ ऑफिसर्स को और उनके स्टाफ को। कब दी है? 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को। कहां पे दी है? एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है जुडिशियल ऑफिसर्स को भी और उनके स्टाफ को भी। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। जब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, और जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक डायनेमिक सोसाइटी में रहते हैं, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, डायनेमिज्म आ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल आ रहा है। जैसे आप सब जानते हो जब COVID-19 आया था तो क्या हुआ था कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वहां पे कोई भी मैकेनिज्म नहीं था ऑनलाइन हियरिंग्स का, वर्चुअल मोड की हियरिंग्स का कोई भी मैकेनिज्म नहीं था। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन इम्पोज किया था तो हमारे सारे कोर्ट्स बंद हो गए थे और लिटिगेशन जो है उसका जो पाइल अप होती जा रही थी और उसका जो बर्डन था वो बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कोर्ट्स ने क्या किया, उन्होंने शुरू किया टेक्नोलॉजी को यूज करना। टेक्नोलॉजी को यूज करते करते उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म सेटअप किया जहां पे वर्चुअल हियरिंग्स होनी शुरू हो गई। तो क्या बोला गया कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की ट्रेनिंग इन्होंने किनको प्रोवाइड करी? डिफरेंटली एबल्ड लोगों को प्रोवाइड करी। ई कमिटी ने आईसीटी कैपेसिटी में बिल्डिंग एक्सरसाइज करी गई, जो कि कोर एम है हमारे सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी का। वो क्या है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन जुडिशियल सिस्टम में है उसको बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए। आप लोग सब जानते हो, सब लोग सुनते हो कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, वो बहुत बार बोल चुके हैं कि जो सिस्टम आप लोगों ने बनाया है COVID-19 में आप लोग उसका इस्तेमाल करें। जस्ट बिकॉज अब कोविड नहीं है, अब तो कोविड के केसेस फिर से आने लग गए हैं वैसे तो, हाईकोर्ट की डायरेक्शंस भी आ रही हैं कि आप ऑनलाइन अपीयर हो सकते हैं, बट टाइम एंड अगेन जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ वो बार बार ये बोल रहे हैं कि जो आप लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम का, वर्चुअल मोड का आपने जो सिस्टम बनाया है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है, उसका इस्तेमाल करें।
चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आपको हर एक जगह पे जो ऑनलाइन मोड है उसको एप्लीकेबल रखना है, उसको इस्तेमाल करना है। और यही बोला गया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में बनाया गया है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल करना है कि लोगों को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो यही जो हमारी मेन एम था, हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसी के इन कंसोनेंस चल रहा है। एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन लिया है जो ई कमिटी है, और उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं कि सारे के सारे हाईकोर्ट की वेबसाइट्स है, जो वेबसाइट्स ऑफ ई कमिटी है, ई कोर्ट्स है, और जो जजमेंट्स प्रोवाइड करी जाती हैं सर्च पोर्टल पे, वो सब कुछ एक्सेसिबल हो ऐसे लोगों को भी जो पर्सन विद डिसेबल है। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो पार्ट था वो क्या था कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, चाहे वो जजेस हों या फिर उनके कोच स्टाफ हों, उनको एक फेस्ड मैनर में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। और ये फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग थी जो कि हुई थी विजुअली चैलेंज जजेस के लिए और उनके कोच स्टाफ के लिए पहली बार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो है, जो कि चेयरपर्सन भी है इस ई कमिटी के, उन्होंने इंटरैक्ट किया पार्टिसिपेंट्स के साथ जो कि सारे कंट्री के थे, बहुत सारे हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट से थे, और उनके सजेशंस को भी सुना, उनकी फीडबैक को भी सुना इस ट्रेनिंग के ऊपर। चीफ जस्टिस ने ये बोला कि सारे हाईकोर्ट्स को क्या करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको एक्सेसिबल करना है, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट्स हैं, जो कि हमारी डिफरेंट एक्ट्स बनाई गई हैं इन पर्सन विद डिसेबिलिटी की, उनका जो एक्चुअल एम है, उनका जो स्पिरिट है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्पिरिट है उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना है, और आपको जो ये लोग हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको हमारी सोसाइटी के अंदर इंक्लूड फील कराना है, एक्सक्लूड फील नहीं कराना है। जस्ट बिकॉज इन लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग नहीं है, ये डिजिटली दे आर नॉट वेल इक्विप्ड बिकॉज दे आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इनको इक्वल फुटिंग पे लाना है, जिससे कि ये सारे वो चीजों को यूज कर पाए जो कि नॉर्मल पर्सन यूज कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी विल बी अट्रैक्टिव अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग स्पेसिफिकली नेम्ड हैं एक एफआईआर में और वो सेपरेट ट्रायल्स को फेस करने हैं। तो केस का नाम है सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर, ये एक एसएलपी फाइल करी गई थी। कोरम है जस्टिस एम आर शाह एंड सी टी रवि कुमार, 11 अप्रैल 2023 का ये ऑर्डर है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये आपके लिए कैसे रेलिवेंट होता है, क्योंकि ये आपके आईपीसी से रिलेटेड है, इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड है। बहुत सारे सेक्शंस हैं जो हमने अनलॉफुल असेंबली के पढ़े हैं, जो आप लोग अपने कॉलेजेस में पढ़ के आए हो, और जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो सब यहाँ पे रेलिवेंट होने वाला है। तो सबसे पहले कुछ सेक्शंस जो आपको समझने जरूरी हैं वो हम बात करते हैं। 141 ऑफ आईपीसी बात करता है अनलॉफुल असेंबली की। क्या बोलता है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग, 5 or more persons, अगर क्या करते हैं, अगर कोई भी अनलॉफुल काम करते हैं या फिर अनलॉफुल मीन से करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद सेक्शन 142 बात करता है बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली की, तो आपको क्या समझना है कि मेयर मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली अपने आप में आपको लाइबल ठहराएगी और आपको सजा होगी। 143 में क्या दी गई है, पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। तो अगर आप सिर्फ एक मेंबर हो अनलॉफुल असेंबली के और आप और कोई काम नहीं कर रहे हो उस अनलॉफुल असेंबली के अंदर, बट बीइंग अ मेंबर पर से क्या बोलता है कि आप लायबल होगे उस अनलॉफुल असेंबली के, कोई भी एक्ट अगर कोई भी मेंबर करता है तो यहाँ पे वाइकेरियसली आप लायबल होगे अगर वो कोई भी एक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में है। तो सेक्शन 149 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, सेक्शन 149 बात करता है कि एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली guilty of offense committed in furtherance of या in prosecution of common object। तो जो भी इस unlawful assembly का common object था, अगर कोई भी members, जैसे कि example लेके चलते हैं A B C D E F, अगर ये 6 लोग एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करते हैं और अगर इसमें से ए कोई भी एक्ट करता है, तो बी सी डी ई एफ विल आल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर दिस एक्ट, अगर ये एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट है। ये बोलता है हमारा सेक्शन 149। तो आप देखते हैं कि इस केस में एक्चुअली में क्या हुआ।
तो इस केस में सेक्शन 149 की बात हो रही है और क्या बोला जा रहा है, जब 5 लोग स्पेसिफिकली एफआईआर के अंदर नेम्ड थे, उनका नाम था एफआईआर के अंदर, तो जो पर्संस हैं अगर वो ट्रायल जो है वो सेपरेटली फेस कर रहे हैं, अलग अलग ट्रायल को फेस कर रहे हैं, तब भी आप क्या बोलोगे, सेक्शन 149 अट्रैक्ट होगा। तो अगर एक ऑफेंस किया जाता है बाय एनी मेंबर, उस अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर क्या कर रहा है, एक ऑफेंस कर रहा है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ या फिर इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट जो कि उस अनलॉफुल असेंबली का है, तो हर एक मेंबर, हर एक पर्सन जो कि मेंबर है वो गिल्टी होगा। और ये क्या बोलता है, ये सेक्शन 149 हमारा बोलता है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जो बेंच थी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, वो एक अपील का मैटर सुन रही थी और वो अपील थी अगेंस्ट राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट जो कि पार्टली अलाउ करी गई थी बाय विजेंदर सिंह जो कि रिस्पोंडेंट अक्यूज थे, हाई कोर्ट थे जो उन्होंने सेट असाइड किया था कन्विक्शन सेक्शन 302 और 149 ऑफ आईपीसी के अंदर, बट उन्होंने कन्विक्ट किया था उसको 323 ऑफ आईपीसी के अंदर। तो बेसिकली मर्डर के अंदर और अनलॉफुल असेंबली के अंदर उसका जो कन्विक्शन था उसको सेट असाइड कर दिया था, और 323 स्टूडेंट्स क्या होता है, आईपीसी का 323 होता है आपका हर्ट वाले सेक्शन, तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट वाला सेक्शन होता है ये, उसके लिए इसको पनिश किया गया था। जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया। और क्या हुआ, जो एफआईआर रजिस्टर करी गई थी उसमें क्या बोला गया था कि कंप्लेनेंट्स यंगर ब्रदर नरेंद्र सिंह को अटैक किया था 5 लोगों ने जिसके अंदर रिस्पोंडेंट भी थे, उन्होंने लाठी ब्लोज मारे नरेंद्र सिंह के ऊपर, ड्यू टू विच नरेंद्र सिंह एंड भवानी सिंह दोनों अनकॉन्शियस हो गए। इसके बाद एक पर्सन की डेथ हो गई और एक एफआईआर रजिस्टर करी गई। 5 लोगों का नाम था इस एफआईआर के अंदर, बट पुलिस ने चार्जशीट फाइल करते समय सिर्फ 2 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करी जो थे भूपेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह। कंक्लूजन में ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया विजेंद्र सिंह को फॉर द ऑफेंस अंडर सेवरल सेक्शंस ऑफ आईपीसी और उसको सेंटेंस करा लाइफ इंप्रिजनमेंट, किस चीज के लिए, 302 और 149 ऑफ आईपीसी के अंदर। हाई कोर्ट ने विजेंद्र सिंह की जो ये 302 और 149 वाला जो कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया और बोला कि कोई भी केस नहीं बनता कन्विक्शन का अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, बेसिकली कोई भी केस नहीं बनता जिसमें आप उनको अनलॉफुल असेंबली के लिए आप उनको गिल्टी ठहरा रहे हो। एट द आउटसेट कोर्ट ने ये देखा कि ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्ट किया है रिस्पोंडेंट को, रिस्पोंडेंट और अक्यूज जो थे फॉर द ऑफेंस ऑफ 302 विद 149 वो उनके हिसाब से गलत था। हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो इनिशियल चार्जशीट है वो फाइल करी गई थी सिर्फ 2 लोगों के अगेंस्ट और जो 3 लोग हैं उनको सब्सिक्वेंटली एरे किया गया था एज अक्यूज, देयरफॉर दे वर बीइंग सेपरेटली ट्राइड, इसलिए सेक्शन 149 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म नहीं हो रही एज पर द ऑनरेबल हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो एफआईआर है उसमें 3 अक्यूज का केम एट द प्लेस ऑफ अकरेंस व्हेन दे सॉ नरेंद्र सिंह वाज फिलिंग वाटर एंड इट वाज थस नॉट एन असेंबली ऑफ 5 अक्यूज। तो बेसिकली जो स्टोरी बनाई गई थी वो ऐसी थी कि जो 3 अक्यूज हैं जिनको बाद में अरे किया गया और इनके ऊपर एक सेपरेट ट्रायल चल रहा था, हाईकोर्ट ने ये नोटिस किया कि ये 3 लोग अकरेंस की जगह पे आए तो थे बट इन्होंने नरेंद्र सिंह को पानी भरते हुए देखा एंड इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया, इसलिए जो ये है ये लोग एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म नहीं करते। उन्होंने जजमेंट भरवत मेपादाना अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 की जो जजमेंट है उसके ऊपर रिलाय किया जहां पे कोर्ट ने क्या बोला था, मेयरली बिकॉज 2 अदर पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली वर नॉट कन्विक्टेड एज देयर आइडेंटिटी कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, आप ये नहीं बोल सकते हो कि अनलॉफुल असेंबली फॉर्म नहीं हुई है अंडर सेक्शन 149। इसी प्रिंसिपल को रिइटरेट करते हुए कोर्ट ने क्या बोला कि अक्यूज जो है वो पाया गया कि वो अनलॉफुल असेंबली के एक पार्ट थे, देयरफॉर उनको लायबल ठहराया गया फॉर मर्डर इवन इफ द फेटल ब्लो वाज गिवन नॉट गिवन बाय हिम बट किसी और के द्वारा। तो बेसिकली जिस ब्लो के कारण उसकी हत्या हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, वो फेटल ब्लो जो था वो किसी और के द्वारा भी दिया हुआ बट क्या था, ये एक अनलॉफुल असेंबली थी एंड एवरी मेंबर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस डन बाय वन पर्सन ऑफ इट। कोर्ट ने यह भी बोला कि यहाँ पे जो एफआईआर है वो 3.5 दिनों के बाद फाइल हुई है और डिले था और इसको सफिशिएंटली एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया गया है तो देयर इज नो रीजन टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अक्यूज्ड। अब बात करते हैं हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट केस की जो कि हुआ इस हफ्ते में, वहां पे बात हुई ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी
और क्या बोला गया, ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी जो बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस जजमेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑर्डर 7 रूल 11 कहता क्या है। ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी क्या कहता है, ये बात करता है कि हम जो हमारी प्लेंट है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर उन्होंने कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया। कॉज ऑफ एक्शन मतलब अगर आपका कोई राइट था और वो राइट है जो ब्रीच हुआ है, तो क्या हुआ, एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया जिसके कारण आप कोर्ट जा सकते हो। तो अगर उस प्लेंट के अंदर, अगर उस केस के अंदर, उस पिटीशन के अंदर कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया गया तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। सेकेंड क्लॉज जो कहता है, अगर जो उन्होंने उन्होंने जो रिलीफ क्लेम किया है वो अंडर वैल्यूड है। जैसे कि एक्चुअली में होता क्या है स्टूडेंट्स, कि हम जो रिलीफ क्लेम करते हैं उसके हिसाब से हमें कोर्ट फीस देनी पड़ती है। अगर आपने कोर्ट फीस बचाने के लिए उस रिलीफ को ही कम वैल्यू का दिखाया है तो वो भी आप क्या कर रहे हो, आप कोर्ट के साथ चीटिंग कर रहे हो और आपकी क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। सी पॉइंट ये कहता है, अगर आपने इनसफिशियंटली स्टैम्प किया है कोई भी डॉक्यूमेंट को जिसको आपको एज पर द कोर्ट फीस एक्ट और स्टैम्प एक्ट आपको स्टैम्प करना था, बट आपने उसको इनसफिशियंटली स्टैम्प किया है, तो भी आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। या फिर वो बार्ड बाय लॉ है, बेसिकली वो बार्ड बाय लॉ है, लॉ ने बोला हुआ है कि आप सिविल कोर्ट के पास नहीं जा सकते, आपको कहीं और जाना था, बट आप क्या कर दिया, आपने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटका दिया, तो आपने क्या किया है, एक ग्राउंड एस्टैब्लिश कर दिया जिससे आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। या फिर जो प्लेंटिफ है फेल्स टू कंप्लाई विद रूल 9, जो कि क्या बात करता है, जो कि प्रोसीजर बताता है जिसके हिसाब से आपकी जो प्लेंट है उसको एडमिट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ग्राउंड्स हैं तो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब इस केस में क्या बोला गया कि जस्ट बिकॉज कुछ इनकंसिस्टेंसी है, जस्ट बिकॉज एक जगह पे कुछ बोला गया है और दूसरी जगह पे कुछ और बोला गया है, अगर उसमें इनकंसिस्टेंसी है तो वो अपने आप में सफिशियंट रीजन नहीं है कि आप प्लेंट को रिजेक्ट कर दोगे। केस का नाम है जी नागराज वर्सेस बी पी मृथुरंजना, ये 11th April 2023 का ऑर्डर है। कोरम है जस्टिस अभय एस ओ का एंड राजेश बिंदल। आपको क्या देखना है, आपको इसको रेड विद करना है आपका सिविल लॉज सीपीसी के साथ, तो ये सीपीसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हो सकती है। तो ऑर्डर 7 रूल 11 जो कि बात करता है कि हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और हम क्या बोलते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अवर्मेंट बनाई गई है प्लेंट के अंदर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, उसको देख के ही आप 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल करते हो, और कोर्ट को भी जब वो आपकी 7-11 की एप्लीकेशन को डिसाइड कर रही होती है तो उनको भी जो प्लेंट फाइल्ड है और उसके अंदर जो बातें बोली गई हैं और जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है उन्हीं को देखना होता है। जो डिफेंस होता है डिफेंडेंट्स का उसको आप नहीं देख सकते जब आप 7-11 की बात कर रहे हो। जो कि ग्राउंड्स प्लीडेड है फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है या फिर कोई और रीजन जैसे कि अंडर वैल्यूएड है या फिर स्टैम्प्ड नहीं है, बार्ड बाय लॉ है, तो इस सब के लिए जो कोर्ट होता है, जो जज साहब होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो एग्जामिन करें पूरी प्लेंट को और एक्चुअली में देखें कि जो बात इस एप्लीकेशन 7-11 में बोली जा रही है क्या वो प्लेंट के अंदर डेफिसिट है, क्या वो प्लेंट के अंदर मिसिंग है, और इस बात में क्या हम प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेयरली बिकॉज कुछ इनकंसिस्टेंसी है अवर्मेंट्स में तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक सफिशियंट ग्राउंड है कि आपने कॉज ऑफ एक्शन नहीं बोला। दूसरी बात, आपको क्या देखना है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। कॉज ऑफ एक्शन होता है आपका राइट था और आपका राइट ब्रीच हो गया। अगर आपका राइट था और आपका राइट ब्रीच हो गया तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, तो आपको क्या मिल गया, कॉज ऑफ एक्शन। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है या जो इश्यू जो था इस केस में वो ये था कि क्या ये जो प्लेंट है ये डिस्क्लोज करती है एक कॉज ऑफ एक्शन या फिर ये डिस्क्लोज नहीं करती है। तो प्लेंटिफ्स जो है उन्होंने फाइल किया था एक सूट इन सिटी सिविल कोर्ट बैंगलोर में, जहां पे उन्होंने क्या क्लेम किया था, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और परमानेंट इंजंक्शन। Allowing the application filed by the defendants, plaint was rejected by the trial court on the ground कि plaint जो है वो actually में cause of action को disclose नहीं करती, और इसी order को upheld किया था हमारे honorable high court ने।
फिर जो अपील आई वो आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पे कंटेंशन ये हुई कि कोर्ट जो है उनको क्वेश्चन ऑफ करेक्टनेस ऑफ अवर्नमेंट्स पे नहीं जाना चाहिए और उनको क्या नहीं देखना चाहिए कि अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी है स्टेटमेंट में जो प्लेंट के अंदर है उसके बेसिस पे आप प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। कोर्ट ने क्या नोट किया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक्चुअली में वो लोग कहां चले गए थे, क्वेश्चन ऑफ करेक्टनेस ऑफ इन अवर्नमेंट्स में चले गए थे और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं हमारी प्लेंट के अंदर उनके अंदर कुछ इनकंसिस्टेंसी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि जस्ट बिकॉज उसके अंदर कुछ इनकंसिस्टेंसी है दैट डज नॉट मीन कि आप क्या करोगे, आप उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दोगे। आपको क्या देखना है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जो जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, अगर वो ग्राउंड एक्चुअली में फुलफिल नहीं हो रहा तो आप 7-11 की एप्लीकेशन को अलाउ नहीं कर सकते, आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नहीं कर सकते। कॉज ऑफ एक्शन अपने आप में एक जो केस होता है, एक जो सूट होता है, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो रिवॉल्विंग पॉइंट होता है जिसके अराउंड पूरा केस चलता है। तो अगर आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज कुछ इनकंसिस्टेंसी है बट कॉज ऑफ एक्शन पता चल रहा है कि कहां पे प्लेंटिफ का राइट था और कहां पे वो राइट ब्रीच हुआ, किस दिन से ये चीज शुरू हुई, तो आपको इस प्लेंट को रिजेक्ट नहीं करना है। अब हम बात करेंगे फोर्थ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज की जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुई इस हफ्ते में। सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि आप कॉन्स्टिट्यूट करो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, ऐसी कमिटी जो कि जो भी लॉयर्स हैं उनकी जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये कमिटी एड्रेस करेगी एंड एक्चुअली में उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जो स्ट्राइक पे जाने का फैशन चला आ रहा है उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही डायरेक्शन दी है हाईकोर्ट्स को। ये डायरेक्शन पहले भी दी गई थी जब 2020 में देहरादून के लॉयर स्ट्राइक पे गए थे, उसके बाद में दिल्ली के लॉयर स्ट्राइक पे गए थे, यूपी के लॉयर स्ट्राइक पे गए थे और अभी हाल ही कहां पे राजस्थान के लॉयर्स भी जब स्ट्राइक पे गए थे तो तब भी ये डायरेक्शन दी गई थी। तो केस का नाम है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देहरादून वर्सेस ईश्वर चांदलिया एंड अदर्स। इस केस में जो कोरम थी वो थी जस्टिस एमआर शाह एंड जस्टिस असदुल अमनुल्ला। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है रिलेटिंग टू द लॉयर्स जो कि स्ट्राइक पे जा रहे हैं बार बार। सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप क्या करो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी को फॉर्म करो जहां पे कौन होना चाहिए, आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए और दो सीनियर जजेस होने चाहिए और एक बंदा बार से होना चाहिए और दूसरा बंदा कोई और सर्विसेज से होना चाहिए। जो हमारी बेंच थी वो एक सुओमोटो केस सुन रही थी जो कि रैम्पेंट स्ट्राइक्स के बारे में था इन बार एसोसिएशन अक्रॉस द कंट्री, जो कि क्या करता है, जो कि मैसिव डिस्ट्रप्शन कर देता है कोर्ट के वर्क में। एज इट इज आप सब जानते हो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर आपको जस्टिस मिल रहा है 15 साल के बाद 20 साल के बाद उस जस्टिस का क्या फायदा, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब वर्डिक्ट आता है और जिस बंदे के अगेंस्ट वर्डिक्ट आ रहा है या तो वो पूरी की पूरी अपनी जिंदगी जेल में बिता चुका है या फिर वो बेचारा फिर लोग सधार चुका है। तो अगर जो पर्सन है वो एक्चुअली में डेड है जिसके लिए जिसके फेवर में आप एक जजमेंट दे रहे हो और हमारी जो लिटिगेशन है हमारा जो कोर्ट का काम है वो इतना ज्यादा पेंडिंग होता जा रहा है, इतना ज्यादा बर्डन हो चुका है कि आपको स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए। लॉयर्स को, लॉयर्स जो होते हैं एक्चुअली में ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, आप सब लॉ करना चाहते हैं और आप सब जजेस बनना चाहते हैं या फिर अच्छे वकील बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो हम लॉयर्स होते हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं और हमारी ड्यूटी होती है कि हम कोर्ट को असिस्ट करें कि जो भी केस है वो जल्द से जल्द सुनवाई हो सके और जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके। तो ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं अक्रॉस द कंट्री ये क्या कर रही हैं, ये डिस्टर्ब कर रही हैं कोर्ट के वर्क को। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही बोला है सारे हाई कोर्ट्स को कि आप एक कमिटी फॉर्म करें और जो ये स्ट्राइक्स हो रही हैं इनको प्रिवेंट करें। While reiterating that no member of the bar could go on a strike and abstain themselves from work, bench ने ये भी बोला कि it is very important कि आप एक appropriate forum बनाएं जिससे जो भी genuine problems हैं, जो भी genuine grievances हैं, उनको ventilate किया जा सके, उनको अपने जो भी problems हैं, उनको उस committee को बताया जा सके और वो committee actually में सुनवाई करे proper तरीके से और उनको relief provide कर सके। It was urged that constitution of this committee in all high courts headed by the chief justice क्या करेगी कि जो इस दो senior judges भी होने चाहिए जो कि nominate किए जाने चाहिए by the chief justice of that high court as well as advocate general, जो chairman हो state bar council का उनका भी role होना चाहिए और जो president है high court का, high court bar association का, उनका भी role होना चाहिए।
जो बेंच है उन्होंने फर्दर ये रेकमेंड किया कि जो हाई कोर्ट है उनको सिमिलर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे भी फॉर्म करनी चाहिए, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो एडवोकेट्स हैं उनकी भी सुनवाई हो, वो भी वेंटिलेट कर सके अगर कोई जेन्युइन ग्रीवियंसेस है तो। विद रिगार्ड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमिटी, तो बेंच ने क्या समझाया कि आपको क्या करना है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनको आपको एक्चुअली में आपको उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर कोई भी डिससैटिस्फैक्शन है लोगों के बीच में रिगार्डिंग एनी प्रोसीजरल चेंज या फिर फाइलिंग के रिलेटेड मैटर में, लिस्टिंग के रिलेटेड मैटर में कोई भी मिसबिहेवियर की बात है, कोई भी मिसकंडक्ट की बात है, तो आपको क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स को आपको एक्चुअली में सुनवाई करनी है, इनके जो इश्यूज हैं उनको आपको रिजॉल्व करना है। अगर कोई भी एलिगेशन आती है मिसबिहेवियर को लेके, तो बेंच ने ये क्लैरिफाई किया कि आपको क्या देखना है, आपको वो देखना है कि क्या वो जेन्युइन है और क्या वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है किसी भी जुडिशियल ऑफिसर पे या फिर किसी भी मेंबर ऑफ द बार पे। और इस कमिटी का यही रोल होगा कि वो एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी और जो अनजेन्युइन चीजें हैं, जो फ्रिवलस हैं, जो कि सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए हो रही हैं, उनको वो साइडलाइन करेगी। फाइनली जो डायरेक्शन दी गई वो ये दी गई कि रजिस्ट्री को सेंड करनी है कॉपीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हर एक हाई कोर्ट, और ये सुओ मोटो पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया गया। जो बैकग्राउंड था वो ये था कि मार्च में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अग्री किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो क्या करेंगे, कि वो एक ग्रीवियंस कमिटी को फॉर्म करेंगे और उन्होंने अपने सजेशंस भी दिए थे जो कि प्रपोज करे गए थे एट लोकल लेवल्स टू अवर्ट स्ट्राइक्स बाय द लॉयर्स। सीनियर एडवोकेट मनन मिश्रा जो कि चेयरमैन है ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला, उन्होंने कुछ कुछ सजेशंस बताए जो कि इस कमिटी के रिलेटेड थे। 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में इस कमिटी के बारे में बात करी थी एट लोकल लेवल, जिससे कि जो भी लॉयर्स की प्रॉब्लम है, जो भी ग्रीवियंसेस है उनकी सुनवाई हो सके, और जो ये एक्चुअली में बड़ी प्रॉब्लम है जो कि लॉयर्स की स्ट्राइक है, जिसके कारण जो हमारा कोर्ट का काम है वो बर्डन सम हो रहा है, वो डिले हो रहा है, उसको हम अवॉइड कर सके। 28 फरवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस नोट लिया था इस फैक्ट का कि डिस्पाइट कंसिस्टेंट डिसीजन ऑफ द कोर्ट, लॉयर्स और बार एसोसिएशंस जो हैं वो बार बार स्ट्राइक पे जाते हैं, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था और नोटिस इशू किया गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी और स्टेट बार काउंसिल्स को कि वो अपने फर्दर सजेशंस दें कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम डील करें, कॉन्क्रीट सजेशंस आए जिससे कि जो प्रॉब्लम है, जिससे कि लॉयर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, एब्स्टेन करते हैं काम करने से, इसको प्रिवेंट किया जा सके। सुओ मोटो एक्शन लिया गया था कोर्ट के द्वारा जब एक अपील को डिसमिस किया गया था बाय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देहरादून अगेंस्ट अ जजमेंट ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, जिन्होंने जो लॉयर्स की स्ट्राइक है उसको इलीगल डिक्लेयर किया था। इस जजमेंट में जो बेंच थी वो थी जस्टिस अरुण मिश्रा एंड जस्टिस एम आर शाह, जिन्होंने बोला था कि बॉयकॉट ऑफ कोर्ट बाय एडवोकेट्स अपने आप में एक इलीगल एक्ट है और जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट अगर हम कोर्ट के ऑफिसर होके, अगर हम लॉयर होके इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट होल्ड करके बार बार स्ट्राइक पे जा रहे हैं, बार बार कोर्ट्स के काम को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, पब्लिक पीस और मोरालिटी, पब्लिक स्टेबिलिटी को हम शेक कर रहे हैं, और ये अपने आप में इलीगल है, इस जजमेंट ने ये बोला था। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन्हीं जजमेंट्स के ऊपर। तो ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी किस चीज के बारे में बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट या फिर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स 7-11 जो कि हम नॉर्मल कोर्ट की लैंग्वेज में बात करूं, अगर मैं प्रैक्टिस में हम लोग ऑर्डर 7 रूल 11 नहीं बोलते हैं, हम 7-11 की एप्लीकेशन बोलते हैं। तो 7-11 किस चीज के बारे में बात करता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है। इनकंसिस्टेंसी इन प्लेंट अवर्मेंट्स नॉट अ सफिशियंट रीजन टू रिजेक्ट द प्लेंट हैज बीन हेल्ड इन विच केस, जी नागराज वर्सेज बीबी मुथरा जैना, जी गणेश वर्सेज मुशर नरू, सी राजपति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है, जी नागराज वर्सेस बीबी मुथुरुनजा। सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी विल बी अट्रैक्टिव अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग स्पेसिफिकली नेम्ड है एफआईआर में और वो ट्रायल को फेस कर रहे हैं बट सेपरेटली कर रहे हैं। ये बात किसने बोली है, सुरेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर, शर्मा राहुल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, राकेश पवार वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी, none of the above। तो सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है, 2023 में हुआ है और उन्होंने यही बात बोली है। सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी बात करता है अनलॉफुल असेंबली की
और बीइंग अ अनलॉफुल असेंबली कहां पे मेंशनड है स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था सेक्शन 142 में, 141 में, 149 में या फिर सेक्शन 34 में। तो स्टूडेंट्स सेक्शन 142 बात करता है बीइंग अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के अपडेट्स आप सबके लिए। आई होप आप लोगों को मजा आया हो और आप लोगों को कुछ क्लैरिटी आई हो इन चीजों के बारे में, सिविल लॉज के बारे में, इंडियन पीनल कोड के बारे में, स्ट्राइक्स के बारे में, और जो ई कमिटी फॉर्म करी गई है राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट को लेते हुए उसके बारे में सोचते हुए, उसके इन कंसोनेंस में उसके स्पिरिट और एम और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ट्रेनिंग प्रोवाइड शुरू कर दी है जुडिशियल ऑफिसर्स को या फिर उनके स्टाफ को जो कि पर्संस विद डिसेबिलिटी हैं, सो दैट उनको भी हम एट पार लेके आ पाए। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, और बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल की जजमेंट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर आजकल लाइव हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एक बार वो हियरिंग कंक्लूड हो जाए तो हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कि सेम सेक्स मैरिज में एक्चुअली में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हियरिंग के दौरान क्या क्या बातें डिस्कस करी गई, किन किन केस लॉज को उन्होंने एक्चुअली में रेफर करा, कैसे आर्ग्यूमेंट्स पेश करी गई बाय बोथ द साइड्स, तो उसके ऊपर भी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। बट फॉर नाउ आप लोग अच्छे से पढ़ें और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मजा आया हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।